नाज़रीन, आज मैं आपको नज़ारा कराऊं किश्तवाड़ की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस जगह बिमल नाग का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए कितना खूबसूरत हसीन जगह है, जंगल इसके बिल्कुल आसपास। ये हमारा बिमल नाग का एरिया है। यहाँ पर एक कदीम तारीखी मंदिर भी मौजूद। ये मैं आपको थोड़ा सा उस मंदिर का भी नज़ारा करा देता हूँ। हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत ही पुराना मंदिर यहाँ पर मौजूद। ये बिमल नाग सुरूड एरिया है, किश्तवाड़ का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये। यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन गर्मियों के लम्हात में घूमने के लिए आए। बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील जगह है। यहाँ पर हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों यहाँ पर आया करते हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक का एक ज़बरदस्त नमूना है बिमल नाग। एक बार पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि एक तरफ से यहाँ पर यात्रा आई हुई थी और दूसरी जानिब मुसलमान भाई भी नमाज अदा कर रहे थे। तो यहाँ पर जबरदस्त भाईचारे का सबूत भी मिलता है बिमल नाग में। यहाँ पर आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव सर ने एक पब्लिक दरबार सर रखा हुआ था। पब्लिक दरबार कुछ ही मिनटों पहले ख़त्म हुआ है, तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ की खूबसूरती दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड भी है, ये देखिए। इस ग्राउंड में अक्सर व बेशतर टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं। इस वक्त भी कुछ बच्चे यहाँ पर कास्को बॉल से खेल रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं उसका भी नज़ारा करा दूँ आपको। ये हमारा बिमल नाग का एरिया है, तहसील द्राबशाला में वाक़िया ये एरिया है। तो ये बिमल नाग का खूबसूरत हसीन और जमील एरिया, काफ़ी खूबसूरती है यहाँ पर। काफ़ी तादाद में आज यहाँ लोग भी आए हुए थे, टूरिस्ट हजरात भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर पूरे जिला भर से ऑफिसर हजरात भी आए थे। तो ये बिमल नाग का एरिया एक बार ज़रूर यहाँ आप आइए, देखिए यहाँ की खूबसूरती, देखिए यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। उनका जो टूरिस्ट्स के लिए बर्ताव है बड़ा ज़बरदस्त रहता है। हमारे यहाँ सुरूड़ टटानी के लोग उनका खैर मकदम करेंगे। हम भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये देखिए, ये है बिमल नाग का एरिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये कुछ बिल्डिंग्स भी किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई हैं। तो आज यहाँ पर डॉक्टर दिवांश यादव सर ने ये भी ऐलान कर दिया कि इन केडीए की बिल्डिंग्स को आउटसोर्स किया जाएगा, ताकि टूरिस्ट का जो फ्लो यहाँ पर आता रहता है, या यात्री हजरात जो यहाँ पर आते हैं उनका जो फ्लो यहाँ पर होता है, तो उनके लिए यहाँ पर अशिया मिल सकें, खाने पीने की अशिया मिल सकें। ये देखिए, ये बिमल नाग काफ़ी खूबसूरत जगह है। बिमल नाग से ही हटके यहाँ से लगभग कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर धार बंगर एक जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह एक वक्त होगा हम उसका भी नज़ारा करने में कामयाब होंगे। अभी रोड वगैरह नहीं है, काफ़ी पैदल चलना पड़ता है उस जगह, लेकिन इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वहाँ पर रोड वगैरह भी होगी। तो हमारी गुजारिश रहेगी, ये आपको हमने बिमल नाग का आज दीदार कराया है अपने कैमरे के जरिए। आबिद मुगल व्लॉग में ये आपको हम दिखा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगहें किश्तवाड़ की दिखाई जाए, जहाँ पर टूरिस्ट हजरात आ सके और लुत्फानंदोज हो सके। ये देखिए, ये है बिमल नाग, ये है वो। यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों का एक कदीम मंदिर, काफ़ी कदीम मंदिर है, तारीखी अहमियत है इस मंदिर की। यहाँ पर ये केडीए की बिल्डिंग्स हैं,
यहाँ पर सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है, घबराने की भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी दस्तयाब है। तो मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी लोग मेरे इस व्लॉग को देखेंगे तो उनसे गुजारिश रहेगी कि वो एक मरतबा बिमलनाथ का रुख करें, तो हम आपको वक्तन फवक्तन दिखाते रहेंगे इस किश्तवाड़ की खूबसूरती। किश्तवाड़ को अल्लाह ने खूबसूरती से नवाजा। ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर कास्को बॉल से क्रिकेट खेलते हुए। तो ये बिमलनाग का एरिया है, ये देखिए जंगल इसके बिल्कुल करीब है। इंतहाई हसीन और जमील एरिया है ये बिमलनाग का। तो हमारी गुजारिश रहेगी जितने भी हमारे व्लॉग को देखेंगे तो वो एक मरतबा ज़रूर विज़िट करेंगे बिमलनाग। यहाँ पर डीसी किश्तवाड़ की काविशों की वजह से बिमलनाग में एक जिम, मिनी जिम भी लगाया गया। ये देखिए ये यहाँ पर हमारे प्यारे लाल जी सिखा रहे हैं थोड़ा सा कि कैसे इसको चलाना है। ये मिनी जिम जैसा लगाया गया है। यहाँ से हमारे पवन जी भी लगे हैं, स्लाइड भी यहाँ पर। ये एक नवनिहाल बच्चा, करो क्या करो बच्चे कैसे। हाँ ये देखें यहाँ पर जिम भी लगाया गया है, मिनी जिम लगाया गया है। ये सब हमारे डीसी साहब डॉक्टर देवांश यादव सर की काविशों का नतीजा है। यहाँ पर ये यासपट खचू का ये यहाँ पर ये भी लगाया गया है। तो यहाँ पर हमारे कुछ नौजवान साथी, ये देखिए जिम। ये हमारे पुलिस के सब इंस्पेक्टर नायक, ये हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं जो यहाँ लुत्फ उठा रहे हैं। ये यहाँ पर टीआरसी बिल्डिंग भी बनाई गई है। यहाँ पर पानी भी मौजूद, ये देखे कुछ बच्चे यहाँ पर पानी में खेलते हुए। ये बिमलनाग यहीं से शुरू होता है। ये यहाँ पर छोटी सी पुली बनाई गई है, ये यहाँ से शुरुआत होती है बिमलनाग की। ये देखे मास्टर जी का नंबर कहाँ डाला? यहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए पानी में। ये टीआरसी की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। ये थोड़ा सा मैं आपको वापसी के लिए जो रास्ता है, आने और जाने का रास्ता बिमलनाग का, ये यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा नज़ारा करा दूँ। ये देखिए केडीए ने काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन इस काम को अब एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। काफ़ी खूबसूरत जगह। तेज़ ठंडी हवा चल रही है। ये बिमलनाग जो मैदान है वहाँ के लिए जाने वाला रास्ता है। काफ़ी तैदाद में आज यहाँ सैलानी भी आए हुए थे, और आज डीसी साहब का यहाँ पर टूर था, तो दरबार था, तो उस दरबार की वजह से तमाम डिस्ट्रिक्ट
आफिसरान, जिला सतही आफिसरान यहाँ आए हुए थे। ये देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊँ आपको टटानी एरिया का। ये टटानी एरिया है नीचे से, तो ये बिल्कुल जंगलों के साथ में है बिमल नाग का टूरिस्ट स्पॉट, जहाँ पर आप आ सकते हैं घूमने के लिए।